लोकेशन टीकमगढ़ नन्हे टेहरी खेत पर गए युवक का संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव। क्षेत्र में फैली सनसनी से डर का माहौल बना। परिजनों ने पड़ोस के कृषक पर हत्या करने का जताया शक। एनका टीकमगढ़ मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर थाना बुढ़ेरा अंतर्गत नन्ही टेहरी लुड़िया खेरा में 19 वर्षीय युवक लखन रैकवार का शव आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर मिला। आपको बता दें कि लखन रैकवार शनिवार को अपने खेत पर गया था। देर रात जब लखन घर पर नहीं लौटा तो उसके दादा द्वारा कई बार फोन लगाने पर उसका फोन रिसीव नहीं हुआ। युवक के दादा ने बताया कि जैसे तैसे रात बिताई और अल सुबह उसे तलाशने निकल गए। जैसे ही वो ढूंढते अपने खेत पर पहुंचे तो खेत पर भी लखन नहीं मिला। खेत पर बहुत ढूंढने के बाद जब आसपास तलाश की गई तो थोड़ी दूर लखन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा था। गले में रस्सी और रस्सी से एक छोटी सी लकड़ी लिपटी हुई थी। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए CHC सेंटर बड़ा गांव धसान भेज दिया है। गौरतलब है कि युवक का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है, जहां लोगों द्वारा तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। वहीं युवक के परिजनों द्वारा पड़ोस में ही खेती करने वाले कृषक पर हत्या करने का संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए जाँच की जा रही है। White-1 मृतक के दादा त्रिपुर एकवार, White-2 मृतक के परिजन। क्या नाम है दादा? त्रिपुर। क्या हो गया है? सब बच्चा माने हार में गाँव तो सब हो जाएगा। उन्होंने मारा, किसी ने मार दिया है? मार दिया किसी ने। कैसे? माने लठिया लगाई। जोर से बोलो। लठिया लगाई साहब और भाद आया सब माने मर गए। गले में रस्सी बांध के? रस्सी बांध के। अच्छा, तुम्हें क्या कब पता चला? हमें पता चला साहब सुबह सुबह। हाँ। तो जैसे रात में वो कहाँ गया था? रात में साहब जॉब हो कभी ऐसे फोन हमने पता को हाँ ही गाँव तो जैसे हमने पता को कितने गाँव से फोन लगा से फोन बोला तो अकेले कोई जवाब नहीं मिलो। सुबह जब फोन सानी आ सो फैगत बात दी हमने सुहार में गए सो फोन लगा के पता को सुबह मिले जाएगा। अच्छा, तो कहाँ मिला तुम्हें लाश? मिली उसकी? हाँ, लाश मिली। कहाँ मिली लाश? माने खेत छोड़ के ऐसे जंगल में। आपके खेत से दूर? दूर हैं। बाहर भी है तो ये पता नहीं कि किसने क्या किया? अब जो पता नहीं है साहब हमें कि किसने क्या किया, जो पता है कि लगभग हमारे पड़ोसी हैं जो तो हमें दिखाते के राजे ही हनके हाथ हुआ नहीं है किसी के। अच्छा, तो उनसे कोई विवाद चलता था क्या पड़ोसी से? उनसे विवाद जो चलते तो क्या माने भाई एक दा जा करते हमसे कई खेतन में हिदा कर लो। हमने जुता तो कर ले खेतन में हिदा कर लो वही लायका से करते तो उन्हें कह रही थे हम तीन का काबाप है हमें नहीं करने हिदा। बस जो है वातावरण है तो कोई विवाद हुआ था पहले? और जो विवाद है वो पहले से जो विवाद चला होते हैं और यही गाय जमीन पाएगी। तो तुम्हें उन लोगों पर शक है क्या? नहीं पे शक। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है जी? ये घटना है हमें कब मिली लाश? हमें मिली सुबह 7 बजे। अच्छा, तो FIR दर्ज की हो? FIR दर्ज हमें हम थाने में नहीं पहुंच पाए। थाने में नहीं पहुंच पाए। पुलिस को सूचना किसने दी? पुलिस का सूचना हमने कहो फोन माँ से सरपंच का। सरपंच बोले कल हम कहें फिर हमारे बड़े वे गए थे बड़े हाँ जी गए थे पुलिस सो इनने कही थी बात। साहब सरपंच ने कही पुलिस वाले थानेदार खास वे चले आते सो रास्ता में हमें लोग। क्या नाम है हमारा? हाँ, हमारा नाम बिंदा। तो क्या हो गया है? सब ऐसा हो गया कि इनको कुगा व उनकी रहती है एक जगह है की माने हमारे भज्जा की सो एक कहीं ऐसा इन्हें खरीदो तो सो वही पे साहब विवाद चला तो अब वो इनके ऐसा इन्हें जुता सो उन्हें जा कही थी कि हमें शामिल कर लो हिदाय कर लो कह हम तो किससे विवाद चल रहा था? राजा लोधी से। तो राजा लोधी से क्यों जमीन पे विवाद चल रहा था? तो साहब हमें तो शक उसी पे। अच्छा, तो ये घटना घटी है तो उसने राजा लोधी ने कहा हाथ है उसमें? हाँ, उसी का हाथ है। अच्छा, तो कैसे तुम लोगों को पता चला कि जी हो गया? साहब जब सुबह ढूंढो जब खेत के थोड़े दूर लाश मिली हमको 7 बजे। अच्छा, मोबाइल बाजू जब कहाँ के हो? नन्नी टेरी के साहब। नन्नी टेरी जेरा लुड़िया खे में हम कुगा पे रास्ता। अच्छा, फोन लगा